सबसे पहले श्री से आज आरा के पावन धरती पे होटल पार्वती चंद्रा में हमारी कंपनी के डिप्टी एमडी जी खान सर और ट्रेलर फॉर डायरेक्टर जो हमारे दो बाहर से आए हम लोग को गाइड करने के लिए, उनका हम सभी की तरफ से एक हार्दिक स्वागत करते हैं। और आप सभी प्रमोटर का जो सापुर से, बिहिया से, झुमुआ बिलवनिया से, सिन्हा से आए सर की बातों को सुनने के लिए, सर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के लिए, अपना भविष्य की प्लानिंग करने के लिए, इसलिए आप अपने बेहतर भविष्य के लिए एक जबरदस्त तालियां। आज कुछ निष्कर्ष निकला है सर, आंसर जो बता रहे थे, बताया सिन्हा ने गाइड किए कि आप अपने घर पे एक बार मीटिंग कीजिए, अपने घर पे मीटिंग कीजिए। उसके दिमाग उस समय मेरे दिमाग में आ रहा था बहुत विचित्र बात, शाहपुर के लोग, बिहिया के लोग, सब जब बिलवनिया के लोग, समझ गए ना, विचित्र बात आ रहा। उस समय होगा क्या जब आपके, देखिए सिन्हा गाँव तो लगभग छोटा ही मान लीजिए, जब आपके घर में एक बार 20 लोग आएंगे एक संडे को, आपके घर में 50 लोग आ जाएंगे, उनके घर में संडे को संडे आने लगेंगे, गांव का नजर जाएगा, ये क्या हो, ये भीड़ कहाँ जा रहा है, पूरा गांव मोटिवेट होगा, वो लोग तरह का माहौल हो जाएगा, पूरा गांव जो है जो स्नेहा मय कहा जाता है, एनएलएसएफ मय हो जाएगा, एक माहौल बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सर की बात को थोड़ा सा और विस्तार हम करते रहे हैं, बहुत बड़ा माहौल तैयार कर रहे, समझे कि आप वहां के एकदम समझे कि सरताज होने जा रहे हैं, मजा आ जाएगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा, वो देखते देखते बिना बुलाए सुनने आ जाएंगे। तो हमारे कंपनी के प्लान में इतना पावर है, स्कॉलरशिप में पावर है इतना, ये बिना बोले जुड़ भी जाएंगे। तो ये माहौल जो है ना, डिप्टी एमडी सर जो हम लोग को गाइड किया आपकी बार, आपकी संडे से फॉलो, आपकी संडे से आपके घर में आप लोग प्लानिंग कर लीजिए, आपके घर में, आपके घर में, आपके दरवाजे पे अपना मीटिंग हो, सामुदायिक भवन, सरकारी, जहां आपकी जगह हो, बैठक का किसी का, सभी लोग का फोटो है। देखिए कारण है, आज सर आरंभ जुटे हैं, कारण है, पिछले बार जो हम लोग सीजन 1 में था, सीजन 2 में है, आरा और भोजपुर इतिहास रचा था स्कॉलरशिप में, क्या गलती करे तो बता दीजिए, और याद कीजिए। अच्छा एक आध बात बताइए हमको, जब आरा में प्रोग्राम हुआ था तो स्कॉलरशिप वाले में कितना लोग स्टेज पे थे, आपको उस समय 32 आ गया था, स्टेज पे बंशी पे, हाँ 32 आ गया था उस दिन, कोई नहीं था। कितना विचित्र बात है, हम लोग में से कोई नहीं था उस जो सुबह में मीटिंग हुई था, ठीक ना। लेकिन आज कितना विचित्र बात है कि जिस दिन स्कॉलरशिप लॉन्च हुआ उस दिन और उसके एक दिन बाद हम लोग का आईडी पड़ा है, समझ रहे, इसका मतलब समझ रहे ना, वो प्रोग्राम एक महीना बाद हुआ था तो हम लोग का आई डी कितना लोग का पड़ा था, नहीं पड़ा था, हम लोग सोच विचार रहे थे, और अब की बार हम लोग तो सबसे ऊपर जाकर बैठ गए हैं, ठीक है, तो अब की बार विशेष मजा आने वाला, समझ गए, और इसका मजा का लाभ उठाना है। और देखिए नौकारिस, देखिए नौकारिस, नौकारिस केरल में का दूध होता है, तो अभी हम दौड़ में है, रेस में, और
सब हम लोग एक हैं, सब हम लोग एक नाव पे सवार है, फिलॉसफी एजुकेशन में नाव पे, और हम लोग बाजू में ताकत है, जितना बाजू में अभी यहाँ पे ताकत क्या दिखाना है, ऑटो पुल स्कॉलरशिप रोज एक्टिवेशन हो अधिक से अधिक, ठीक ना, जितना तेजी से हम अपने बाजू में ताकत दिखाएंगे तो नौका रेस में उसी की जीत होती है, जिसके नाव पे जितना तेजी से हमारे हाथ चलेंगे नौका को फेंगे तो हमारी जीत होगी। तो अब की बार उस नौका पे हम सब लोग मिल के बैठे हैं और सब लोग मिल के जोड़ लगाना है। अच्छा बाहुबली 1 सुपर हिट हुआ था कि बाहुबली 2 उसी तरह है, हम लोग एनालिसिस सीजन 1 होता है वो, अब की बार सीजन 2 है तो सीजन 2 जो है उतना सुपर हिट होने वाला है, बस आप शुरू में है, बस कुछ दिन बाद देखिएगा, कुछ दिन बाद देखिएगा जब पूरा इंडिया आपके नीचे आएगा ना तब आपको मालूम चलेगा कि आप क्या होता है। एक सर और बात करें हैंडबिल का, हैंडबिल छपवाने का, उसमें भी हम सोच रहे थे, बात तो उसमें विचार कर रहे थे सर की बात, वो एकदम एक व्यवसायी जो है जिस होटल में है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके तब ना अपना बिजनेस चला है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया, कल के डेट में इसका गारंटी नहीं था कि होटल चलेगा कि नहीं, लेकिन हिम्मत किया करोड़ों रुपया लगाने का, और जो कंपनी हम लोग को करोड़ों रुपया दे रहा है, हम तो कहते हैं कि मेरा आईडी खोलिए लाख ना, और कोई भी सिद्धांत कोई भी फॉर्मूला तब तक बड़ी नहीं हो सकती है जब तक कि उसके पीछे सफल लोगों का, मेहनत करने वाले लोगों का हाथ ना हो। तो हम सब लोगों को हाथ बढ़ाना है और फिर एनालिसिस एजुकेशन को और बड़े ऊंचे और शिखर मंजिल पे पहुंचाना है, ठीक है, थैंक यू। सबका फोटो लीजिएगा सिग्नल से।